साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह, आप सबका उद्योग धंधा भाई आलोक सिंह चैनल में स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए हरी झंडी दे दी गई है। फ्रूट प्रोसेसिंग लगाने वाले उद्यमियों, एफपीओ, एसएचजी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है, बड़ी अच्छी खबर है ये। मैं ये बता दूं कि आपको मिलेगा ऋण अनुदान और मिलने वाला है आपको पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कुल मिला के ये आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छी सुविधा है। तो चलिए जानते हैं इस कल्याणकारी और महत्वपूर्ण योजना और सफल उद्यमी बनते हैं। हमारी प्रारंभिक जरूरत भोजन की होती है। खाद्यान्न उत्पादन में भी हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, यही कारण है कि हमारे चारों ओर फ्रूट प्रोसेसिंग के उद्योग देखने को मिलते हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो 98% जो करीब 25 लाख ऐसे उद्योग हैं जो अपंजीकृत हैं, असंगठित हैं, अनियमित तरीके से संचालित होते हैं। कुल फ्रूट प्रोसेसिंग उद्योग में से 68% उद्योग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए हैं। जो पारिवारिक रूप से अगर हम बात करें तो 80% काम करने वाले फ्रूट प्रोसेसिंग के लोग हैं भारत में। आप सब जानते हैं कि एक उद्योग को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए हमें उच्च तकनीकी की मशीन, कच्चा माल, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और समय समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पूंजी की आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्तिगत उद्यमी, स्व सहायता समूह, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एफपीओ खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग को स्थापित तो करते हैं, लेकिन पूंजी के अभाव के कारण ये ज्यादा समय तक संचालित नहीं कर पाते। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके गुणवत्ता में कमी और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग उचित तरीके से नहीं कर पाते, अपनी प्लानिंग सुनियोजित तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आज के मार्केट की प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाते और एक समय बाद ऐसे उद्योग को बंद कर देते हैं। इसके डर के कारण हमारे नए उद्यमी भी उद्योग लगाने से परहेज करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ये योजना अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान है। पंचवर्षीय योजना है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक ये योजना संचालित की जाएगी। इस योजना में 2 लाख छोटे उद्योगों के लिए ऋण की सहायता के साथ साथ वित्तीय सहायता के प्रावधान किया गया है। योजना की हिस्सेदारी की हम बात करें तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 की होगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का उद्देश्य है कि छोटे फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा छोटे उद्योग को संचालित करने वाले व्यक्ति या संचालित करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए शासन द्वारा ऋण की सुविधा और सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। साथ में ऐसे असंगठित लोग जो फ्रूट प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, अनियमित रूप से संचालित हैं, गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो उनके लिए गुणवत्ता मानकों में ध्यान रखते हुए पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट और समय समय पर कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे मार्केट में अनुकूल प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके और ऐसे संचालित करने वाले उद्योग बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाकर अच्छा खासा इनकम को कमा सकें। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए, जनजाति क्षेत्रों के लिए और लघु वन उपज के क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ खराब होने वाले खाद्य उत्पादों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए मैं 2 भागों में बांटता हूं। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तिगत व्यक्ति जो फ्रूट प्रोसेसिंग का उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है और इस 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता में आपको 35% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
बैंक में जो आप प्रकरण लगाएंगे उस प्रकरण में आपको कम से कम 10% की अपनी मार्जिन मनी लगाना है। शेष मार्जिन मनी या शेष धनराशि की पूरी व्यवस्था आपको बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे श्रेणी में मैं SHG FPO कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता हूं, उनके लिए प्रारंभिक तौर पर छोटे उपकरण और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण की सुविधा। प्रति SHG की अगर हम बात करते हैं तो 4,00,000 रुपए प्रति SHG की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता के साथ साथ आपको सब्सिडी की भी सुविधा उपलब्ध होगी। सामान्य बुनियादी ढांचा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग में भी आपको अनुदान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपका मार्केट के प्रतिस्पर्धा में आप बहुत अच्छे तरीके से भाग ले सकें, उसके लिए सरकार द्वारा आपको बेहतर कौशल उन्नयन प्रशिक्षण की भी सुविधा और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से करीब 9,00,000 कुशल अल्प कुशल लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ सेटिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण जैसी सामान्य बुनियादी सुविधाओं की लोगों तक पहुंच में वृद्धि होगी। आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें पूरी योजनाओं की गतिविधि संचालित होगी। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने आवेदन को प्रस्तुत करेंगे। अधिक जानकारी और आधिकारिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के नजदीकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उद्यान विभाग में संपर्क कर पूरी विधिवत जानकारी को आपको लेना है। साथियों, अगर आप नेट में इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको गूगल में लिखना है www.pib.gov.in। आपको इस साइट को लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक पेज दिखेगा, उस पेज को आपको बकायदे अच्छी तरीके से देखना है। वो है पत्र सूचना कार्यालय नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति। यहाँ पर आपको दिखेगा और देखें, साथ में प्लस का निशान भी आपको दिख रहा होगा। इस प्लस के निशान में आपको टिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज दिखाई देगा जहाँ पर सभी विज्ञप्ति लिखी हुई है। यहां पर आपको सभी विज्ञप्ति लिखी हुई है, मंत्रालय सभी मंत्रालय, और दिनांक में दिनांक के साथ आपका कौन सा दिन है, माह कौन सा है, वर्ष कौन सा है, इसका पूरा विवरण लिखा हुआ है। चलिए इस विवरण को हम भरते हैं। भरने के लिए हमें मंत्रालय में हमें देखना है वो मंत्रालय जो हमारे लिए काम का मंत्रालय है, और वो मंत्रालय आपका कहलाएगा। देखते हैं कौन सा मंत्रालय। ये है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, आपको दिख रहा होगा सामने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय में आपको टिक करना है। आपको टिक करने के बाद अब बारी आती है आपके दिनांक की। दिनांक, चलिए हम दिनांक बदल लेते हैं। तो दिनांक बदलने के लिए आपको दिनांक जो डालना है वो है 20, जो दिन डालना है, जो आपका दिनांक डालना है वो है 20 तारीख। और अब हम डालते हैं माह, माह आपको डालना है मई, और वर्ष आपका 2020 है। पेज आपका लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद आप सबसे नीचे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, और उसके नीचे है कैबिनेट ने खाद्य सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमों को अनौपचारिक रूप से योजना की स्वीकृति दी। अब इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेज खुलेगा जिसकी जानकारी आपको विधिवत दी गई है। इस पेज में आप देखिए कि योजना का विवरण और कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का जो परिव्यय रखा गया है उसका है। साथ में यह अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए नई प्रायोजित योजना है। अब हम बात करते हैं इसके लक्ष्य को, इसके उद्देश्य को। तो उद्देश्य बकायदे आपको मिल जाएगा, उद्देश्य के साथ आपको मिलेगा, आप देखेंगे तो उद्देश्य के साथ आपको मिलेगा मुख्य विशेषताएं।
इसको आप आराम से पढ़िएगा। व्यक्तिगत उद्यमी के लिए शासन द्वारा जो सहायता दी जा रही है उसका पूरा विवरण है, 10 लाख रुपए तक के लागत वाली उद्योगों का विवरण है, और आपसे जुड़ी हुई 35% की सब्सिडी और 10% का शेष जो बैंक द्वारा लगाना है उसके बारे में, उसी के नीचे आपका FPO SHG कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो सहायता दी जाएगी उसका पूरा विवरण है, और उसके आप नीचे देखेंगे तो क्रियान्वयन जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया गया है, और नीचे हम जाएंगे तो प्रशासनिक और क्रियान्वयन तंत्र क्या है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। कुल मिला के इसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, और आप देखिए प्रभाव और रोजगार के सृजन क्या है उसकी जानकारी मिलेगी। तो आप इसको विधिवत अच्छे तरीके से देखकर और अच्छे से इसको समझिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल खोल के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।